14 देखिए, कह रहा है 36 विद्यार्थियों के भार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, इन आंकड़ों का आयचित्र और बारंबारता बहुभुज खींचे। तो मुझे आयचित्र खींचना होगा पहले, और उसके बाद उसी पे हम लोग उसका बारंबारता बहुभुज बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए तो इसको खींचते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, इस पे मैं वाई अक्ष ले लेता हूं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। चलिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। यहां पर मुझे एक्स अक्ष पे एक किंक लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि यहां पे देखिए गिनती, यहां भार जो है किससे शुरू हो रहा है, 30.5 से। ठीक है, तो यहां 30.5, इससे पहले मैं 5 इकाई पीछे आ जाऊंगा क्योंकि 5-5 का अंतर है ना जी, तो 25.5 भी यहां लूंगा। फिर आपका है 35.5 आगे, फिर आपका है 40.5, फिर आपका है 45.5, फिर आपका है 50.5, फिर आपका है 55.5, फिर आपका है 60.5, और एक और आगे बढ़ा के भी लेना होगा 65.5। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शख्स पे मैं क्या ले रहा हूं, भार ले रहा हूं जो केजी में दिया हुआ है, और वाई एक्स पे विद्यार्थियों की संख्या लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या लूंगा, वाई एक्स पे लूंगा। समझे ना, तो ये देखो ना 15 तक दिया हुआ है, 2-4 ले लूं क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 काफी है। समझ गए, अब मैं ऊपर लिख दूंगा इसका पैमाना जो है, एक अक्ष पे कितना के बराबर है, 5 इकाई के, 5 केजी या इकाई केजी में है, भार है ना जी। और वाई एक्स पे एक अक्ष किसके बराबर है, एक अक्ष जो है 2 विद्यार्थियों के बराबर है, 2 विद्यार्थियों के बराबर है, 2 विद्यार्थियों के बराबर है। समझ गए, अब इसके बाद ध्यान से देखिए हम क्या देख रहे हैं, 30.5 से 35.5 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 9 हो रही है। 30.5 से 35.5 में विद्यार्थियों की संख्या 9 हो रही है, तो 8 और 10 के बीच में ले जाएंगे ना, 8 और 10 के बीच में। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, ये आपका 9 तक ले जाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 35.5 से 45.5 में 6, ये रहा आपका 6। फिर उसके बाद 40.5 से 45.5 में, 40 से 45 में आपका 15, 40 से 45 में आपका 15, 14 और 16 के बीच में। अच्छा, फिर उसके बाद 45.5 से 50.5 में आपका 3 है, 3, 2 और 4 के बीच में। फिर उसके बाद क्या है, 50.5 से 55.5 में 1 है, 1, 2 और 1 के बीच में, 2 और 0 के बीच में। 55.5 से 60.5 में है 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैं ये आया चित्र तो हो गया, अब इसका बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, हर एक जो आयत हो रहा है उसके ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को लूंगा, यानी बात हो रही है वर्ग चिन्ह की। ठीक है, वर्ग चिन्ह और बारंबारता मैं ले रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ। और इन सभी को क्या करूंगा, मैं रेखाओं से मिला दूंगा, 2 लगातार बिंदु को रेखाओं से ऐसे मिलाता जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से, तो मैंने इनको रेखाओं से मिला दिया। और क्या करूंगा, जो पहला वर्ग है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और अंतिम वाले वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता 0 होगी, तो इसलिए ये बिंदु, इनके मध्य बिंदु ये हो जाएंगे। और यहां से इसको मिला दूंगा डॉटेड, यहां से भी इसको मिला दूंगा डॉटेड मिलाऊंगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस रेखा को डॉटेड कर देता हूं,
क्योंकि ये वास्तव में है नहीं, ये तो हमने ली है ना जी ऐसे ही, इसलिए इसको मैं डॉटेड रखूंगा, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, इसमें आपका आयत चित्र भी बना दिया और उसका बारंबारता बहुभुज भी बना दिया। चलिए अगला।